तो यहाँ पे चाचू मुझे धक्के देके घर से निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, निकल जाओ हमारे घर से, तुम्हें हमने कचरे से उठाया था। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिस्मा और मैं अपने घर वालों पे एक बहुत बड़ी रहमत हूँ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा, बल्कि मैं क्यों बताऊँ, तुम मेरे साड़ा लग दे। चलो बता देती हूँ, मेरी अब बर्थडे, इन लोगों ने मेरे लिए करना था सरप्राइज का प्लान, दैट्स व्हाई मैं अपने दोस्त के घर चली गई। यहाँ पे मैं अपनी दादो को चुम्मी देनी, फिर दादो ने मुझे बहुत प्यार और बहुत लाड किया क्योंकि मेरी बर्थडे थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी विशेष दी। उसके बाद आगे थे MS इवेंट वाले, चाचू उनके सामान के साथ गड़बड़ कर रहे थे, चाचू को उनसे दो तीन चपेड़ भी पड़ी लेकिन चाचू फिर भी बाज नहीं आए। यहाँ पे ये रूम की डेकोरेशन भी कर रहे थे, वाव, जो कि बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे चाचू सस्ता स्लो मोशन कर रहे थे। ये उनका कार्ड है गाइस, जिसके ऊपर सारा उनका डिटेल लिखी हुई है। ओह माय गॉड, ये भी मेरे व्लॉग में आ गया। चलो गाइस मैं बता देती हूँ, ये है मेरा भाई। यहाँ पे इन सारों ने खाना खाया, उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड के घर से लेकर आए कि मुझे सरप्राइज मिलेगा। यहाँ पे आप लोग मेरा ठन से जो टूटे कोई सपना, मेरा आप रिएक्शन देख सकते हो, मैं ये बोलना चाहती थी। और ये 3 2 1 पिल्ले। ओह माय गॉड गाइस, यू कांट इवन इमेजिन कि मुझे ये डेकोरेशन कितनी अच्छी लगी। जन्ने वालों, तुम लोगों का मुंह काला, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी डेकोरेशन को और मुझे भी। सो गाइस जो MS इवेंट वाले, वो ढोलकी, मेहंदी या किसी भी तरह का फंक्शन हो, बर्थडे हो, ब्राइडल शावर हो, हर इवेंट पे जो आपको डेकोरेशन करके दे सकते हैं, और मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इनसे जो है डेकोरेशन कराएं। मैं मेंढक की तरह छलांग मार रही हूँ। फिर आती है फाइनल लुक। वेलकम जी, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। यहाँ पे मेरी दादो मेरी साड़ी सेट कर रही हैं क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट लगूं। ये है जी समी भाई, यानी कि समी स्टूडियो 7 उनका बेटा है, जो कि जिलम का सबसे पहला छोटा फोटोग्राफर है। जी मेरी फाइनल लुक, यहाँ पे मैं शोखिया मार्क आ रही होती और मैं नीचे गिरने लगी थी लेकिन बाजू की यहाँ पे फूफा ने मुझे बोला कि अपनी आईज क्लोज करो, मैंने आईज क्लोज की और ये मैं बाहर आई। आई 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 धनक दिन धा धनक दिन धा धनक तोड़ 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 तोड़। अरे ये क्या, आंखें तो मैंने खोल ली है लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या। और पीछे भाई मुझे, मैंने जब भाई को देखा तो मैं खुशी होगी, लाइक भाई को देख के खुश नहीं हुई, मैं बुके को देख के खुश हुई थी, इतने सारे बुके गाइस, ओह माय गॉड। तो गाइस मेरे व्लॉग्स इसलिए लेट लग रहे हैं क्योंकि बर्थडे के फौरन बाद ही मैं इतनी शदीद किस्म की बीमार हो गई थी कि आप सोच नहीं सकते। हसद ना किया करो गाइस, दुआ किया करो कि आप लोगों को भी अल्लाह इतना दे, आमीन सुमामीन। और सड़ने वालों, सड़ो, सड़ के बन जाओ। यहाँ पे फिर से मेरी दादा मेरी साड़ी सेट कर रही हैं क्योंकि वो कह रही थी कि तुमने आज कुछ भी हो जाए बिल्कुल परफेक्ट 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 लगना है। उसके बाद समी भाई बना रहे थे मेरी वीडियो जिसमें जूम इन जूम आउट करते, जैसे शादियों पे जो है कैमरा मैन आपके मुंह में आके नहीं कैमरा दे देता, वैसे समी भाई भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहे थे कुछ। उसके बाद मैंने MS इवेंट वालों के साथ पिक्चर्स क्लिक की। यहाँ पे समी भाई पूरे चक्कर खा रहे थे, डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला रे डोला रे डोला, मतलब हर जगह पे घूमे 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 जा रहे थे। यहाँ पे फिर मेरी दादो रेडी हो गई थी और मैं उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई, उन्होंने बोला तुम्हारी बर्थडे है तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत वीडियो बनानी है। ये पता नहीं आदमी चाहता क्या है, इतनी मनहूस एक्टिंग, मतलब क्या 10 करोड़ 10 करोड़ नहीं बल्कि 10 रुपए भी ना दे हम इस एक्टिंग को। उसके बाद बारी आती है मेरे छोटे भाई की, वो मुझे कह रहा था उठाओ, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से उठाया। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आ गई और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, आंटी ने भी मुझे गिफ्ट दिया बुके और ये बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच आंटी। यहाँ पे हाजी ने मुझे बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट दिया। गाइस ये भी बुके लेके आए हैं भाई MS इवेंट प्लान वालों की तरफ से, तो अभी इन्हें अंदर लेके जाते हैं तो देखते हैं क्या सीन है। सो जी मॉर्निंग हो चुकी है और MS इवेंट वाले जो हैं बड़े प्यारे प्यारे ज़बरदस्त किस्म के फ्लावर्स लेके आए हैं बिस्मा के लिए बुके। थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा डेकोर किया है और बड़ा अच्छा आपका प्यार है। तो ये जी देखे समी भाई का छोटा बेटा, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटोग्राफी करता है, इतना ये ट्रेन हो गया कि अभी बिस्मा की और अम्मी की पिक्चर्स ये बना रहा है। ये समी भाई भी इससे जेलस हो रहे हैं कि ये मुझे क्रॉस कर रहा है। हाँ ना, ये सारी जो पिक्चर्स है ना ये इंस्टाग्राम पे हम लगाएंगे मून व्लॉग्स और समी स्टूडियोज के नाम से, आपने लाजमी देखना है। की तरफ से कोई बंदा अप्रोच करता है तो कितने परसेंट डिस्काउंट होगा? 20% डिस्काउंट होगा और उसमें 10% जोगिंदर भाई का होगा। चीटिंग करता है तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, सो जी बिस्मा की बर्थडे हो चुकी है कंप्लीट, गेस्ट गुस्ट चले गए हैं, ठीक है, और बिस्मा जो है वो थक चुकी है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरे पांव दर्द कर रहे हैं, मेरी आंखें दर्द कर रही, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, मुझे बस
जगह चाहिए सोने के लिए, मैं दिल में इधर ही लेट के सो जाऊं, इतना ठंडा। सबसे पहले जिस बंदे ने विश्वा को बर्थडे विश किया, थैंक यू सो मच, ठीक है। और जितने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, वेलकम, शुक्रिया। फिर गया दिमाग, आई मेरे वाकई दिमाग घूम गया गाइस, तो मैं चलती हूँ यहाँ से सोने के लिए। आप लोग को ईद मुबारक। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और आई एम रियली सॉरी कि इतने दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, बहुत बिजी हो गए थे, आई एम दिल से सॉरी यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल।